फ्रेंड्स मार्जिनल कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द इंटर एंड माइनर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन कॉस्टिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द कॉस्ट दिस चैप्टर विल बी यूज्ड। इन शॉर्ट टर्म न्यू ऑर्डर विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड दिस चैप्टर विल बी यूज्ड। इस चैप्टर में आपको वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करना है। आपको मालूम है फिक्स्ड कॉस्ट है वो शॉर्ट रन में फिक्स रहती है। चेंज क्या होता है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट को ही आप कंसीडर करके डिसीजन ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी मार्जिनल कॉस्टिंग। इन इकोनॉमिक्स मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग। 1000 यूनिट आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपकी कॉस्ट होगी 10,000। लेकिन आप 1001 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट होगी 10,008 रुपीज। तो योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट विल बी 8 रुपीज। आपका अभी का जो लेवल है उसमें एक यूनिट भी आप ज्यादा मैन्युफैक्चर करोगे तो जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्टिंग है और डिसीजन मेकिंग है वेरिएबल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट सर्विस इन्वेंटरी सभी का वैल्यूएशन एट वेरिएबल कॉस्टिंग किया जाता है। प्रोडक्ट सर्विस इन्वेंटरी वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ट्रीटेड एज ए डायरेक्ट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज ट्रीटेड एज ए पीरियड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एज ए डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एज ए पीरियड कॉस्ट। ये आपने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का सुना है। उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे? फ्रेंड्स रिमेंबर दैट मैं बच्चों को ऑलवेज बोलता हूँ आप इस फॉर्मेट में रख के क्वेश्चन समझोगे तो ही आप इजीली सोल्व कर पाओगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आता है सोचे बिना जितना समझ में आया उतना एसवीसी एफपी में रख दो, बाद में फॉर्मूला अप्लाई करो तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट विल बी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज द प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दैट विल बी प्रॉफिट। फ्रेंड्स यहाँ पे पर यूनिट और यहाँ पे टोटल ऐसे दो कॉलम करके इंफॉर्मेशन रख दो। कोई भी क्वेश्चन आया ना एसवीसी एपी रो में लिख दो पर यूनिट एंड टोटल लिख दो, बाद में फॉर्मूला अप्लाई करो। मार्जिनल कॉस्टिंग की सबसे पहली फॉर्मूला है पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। व्हाट इज पीवी रेशियो, व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? कंट्रीब्यूशन डिवाइड सेल मल्टीप्लाई 100 दैट इज द पीवी रेशियो। दूसरी फॉर्मूला है चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। 10,000 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन इतना, 11,000 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन इतना चेंज इन कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? सी बाय एस कंट्रीब्यूशन डिवाइड सेल मल्टीप्लाई 100। दूसरी फॉर्मूला चेंज इन कंट्रीब्यूशन चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। फ्रेंड्स पीवी रेशियो फाइंड करने के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो ना आप क्या सोचते हो यस मिनिमम हमें लॉस नहीं होना चाहिए, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाना चाहिए। कोई भी बिजनेस में 3 साल तक ब्रेक इवन पॉइंट रहता है ना तो बाद में तो जंप मिलता ही रहता है प्रॉफिट का। इनिशियल बिजनेस नए बिजनेस आप क्या सोचते हो हमारी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जानी चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट यानी ऐसा लेवल हमारा जिस लेवल पे हमें प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है, जिस लेवल पे हमारा फिक्स कॉस्ट
एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों रिकवर हो जाता है। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, ओनली फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट रिकवर। एंड फॉर्मूला में हम प्रेजेंट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें कैसे मिलेगा? यूनिट टर्म में मिलेगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई सेल्स। तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट कौन से टर्म में मिलेगा? रुपीस, रुपीस टर्म में मिलेगा। एंड फिक्स कॉस्ट डिवाइड पीवी रेशियो, वो भी रुपीस टर्म में आएगा। एक नया कंसेप्ट है केस ब्रेक इवन पॉइंट, यानी डेप्रिसिएशन जैसा नॉन केस नहीं लेना है। केस फिक्स कॉस्ट डिवाइड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, केस फिक्स कॉस्ट डिवाइड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एग्जांपल सी पेज नंबर 14.14। लेट मी सी, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ए सिंगल प्रोडक्ट, इनकरिंग ए वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 300 पर यूनिट। लेट मी सी, 300 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 2 लाख पर मंथ। इफ प्रोडक्ट सेल्स फॉर रुपीज 500 पर यूनिट, प्रोडक्ट सेल्स 500, फिक्स कॉस्ट 2 लाख। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। लेट मी सी, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 2 लाख डिवाइड बाय 200, आंसर इज 1000 यूनिट्स। लेट मी इलस्ट्रेशन ऑन सेम पेज नंबर 14.14। एमएनपी लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट्स, उस समय कोई मतलब नहीं है, 2,75,000 इज रिलेवेंट। 8 rupees 37.5, that is the sales, that is very important. Variable cost is 17.5. Sales minus variable cost, answer is contribution per unit, that is the 20. Fixed costs are incurred uniformly throughout the year. Fixed cost है वो total 35 lakh है, लेकिन पढ़ो including depreciation. That is non case. Total 35 है, 15 lakh depreciation है, 20 lakh case fixed cost. क्या पूछा है पढ़ो? Break even point, sales level quantity and case break even sales. Underline कर दो case. अब जब break even point find करोगे तब fixed cost 35 lakh. केस ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करोगे तो फिक्स कॉस्ट ओनली 20 लाख। केस फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन निकाल दोगे। ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी 35 लाख डिवाइड 20, 1,75,000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी में केस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 15 लाख डेप्रिसिएशन निकाल दिया, 20 लाख डिवाइड 20, योर आंसर इज 1 lakh यूनिट। मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ कॉम्बो। यहां पे जे एंड के दोनों का प्रोडक्शन करना है, 4:3 के रेशियो में करना है। मल्टीपल प्रोडक्ट है आपके पास, कॉम्बो है, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे फाइंड किया जाएगा? मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट, लेट मी सी जे एंड के, रीड द क्वेश्चन पेज नंबर 14.15, रीड द एग्जांपल 4। ए लिमिटेड सेल्स टू प्रोडक्ट जे एंड के, सेल मिक्स इज 4 units ऑफ जे एंड 3 units ऑफ के, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 40, यानी 40 × 4 = 160 एंड 24 के, 20 × 3 दैट इज 60। फिक्स कॉस्ट 6,16,000, फिक्स कॉस्ट 6,16,000,
जे का है 40 × 4 = 160, के का है 20 × 3 = 60, टोटल हुआ 220। 6,16,000 डिवाइड 220, 2800 कॉम्बो, इतना आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। उसका जे का यूनिट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 4 11,200, के का यूनिट फाइंड करना है तो 2800 × 3 8400 यूनिट, फ्रेंड डिवाइड दैट मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट। वेट आपको दिया है, आप कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के टाइम वेट कंसीडर करना है। जे का 4 यूनिट, के का 3 यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है 40 × 4 = 160, जे का 20 × 3 = 60 है, के का टोटल 220 हुआ। एक कॉम्बो प्रोड्यूस करोगे, कंट्रीब्यूशन अर्न होगा 220, ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। 6,16,000 का आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो रिकवर होना चाहिए। एक कॉम्बो में होता है 220, तो 2800 कॉम्बो में होगा 6,16,000। जे के मल्टीप्लाई 4 करो एंड जे के लिए मल्टीप्लाई 3 करो। फ्रेंड्स दिस इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 14.16। कोई भी क्वेश्चन, इजी है या टफ है, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, पहले एसवीसी एफपी में रखना है। फिक्स कॉस्ट 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट 15, सेल्स 30, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट 1,50,000 डिवाइड 15, आंसर क्या आएगा 10,000 यूनिट। रिजल्ट 1,50,000 प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट 20,000, ब्रेक इवन पॉइंट में सिर्फ आपको 1,50,000 ही रिकवर करना था, लेकिन यहाँ पे सेकंड में पढ़ो बोला है, क्या बोला है आपको, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। सिर्फ हमें ब्रेक इवन पॉइंट नहीं चाहिए, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट कवर करके बैठ नहीं जाना है, प्रॉफिट चाहिए 20,000। 1,50,000 प्लस 20,000 हुआ कितना 1,70,000 डिवाइड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई सेल्स पर यूनिट, आंसर क्या होगा 3,40,000, आंसर होगा 3,40,000। यही क्वेश्चन आप पीवी रेशियो से भी कर सकते हो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 15/30 होगा 50%, 50% डिवाइड करके भी आप कर सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हो 10,000 × 30 यानी 3,00,000। ये क्वेश्चन पीवी रेशियो डिवाइड करके भी हो सकता है एंड ब्रेक इवन रुपीस में भी फाइंड करना है 10,000 × 30 फ्रेंड्स। इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर है 14.16, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, देखने में दो ही लाइन का क्वेश्चन है, दो भी कंप्लीट नहीं है, वन एंड हाफ लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कंपनी हैज ए पीवी रेशियो 40%, देखो परसेंटेज है तो मैं यहाँ पे सेल्स को 100 ले रहा हूँ, आप 1 भी ले सकते हो। कंप्यूट बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल बी इंक्रीज टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, आप सेलिंग प्राइस 20% कम कर रहे हो, उसको ऑफसेट करना है, सेट ऑफ करना है, उसकी वजह से आपको लॉस नहीं होना चाहिए। आपका अभी का जो कंट्रीब्यूशन है वही कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ओरिजिनल डेटा क्या है, सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल को 60, कंट्रीब्यूशन 40, रिवाइज क्या है, सेलिंग प्राइस 80, वेरिएबल को 60, कंट्रीब्यूशन 20, सिर्फ सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुई है। फ्रेंड्स रिमेंबर, बहुत ही मिस्टेक करोगे, जब क्वांटिटी में चेंज होता है तभी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है, सेलिंग प्राइस में चेंज होने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ 20% रिडक्शन सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कम करने से ज्यादा करने से वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं होता है, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस,
सेलिंग प्राइस रिड्यूस 20%, नया सेलिंग प्राइस डिवाइड सेलिंग प्राइस 100 वाला 80 हो गया, कंट्रीब्यूशन 20 हो गया आपका। दो मेथड है, सिंपल लॉजिक क्या बोल रहा है आपको, देखो आपका 20 का कंट्रीब्यूशन आपको 40 करना है रिवाइज में, तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल होगी एंड सेलिंग प्राइस भी डबल होगा, तो यूनिट कितना होगा डबल, 20% सेलिंग प्राइस रिडक्शन को ऑफसेट करने के लिए क्वांटिटी को डबल करो, क्वांटिटी को डबल करो, वेरिएबल कॉस्ट डबल तो क्वांटिटी डबल, वेरिएबल कॉस्ट विल वेराय अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, जितना चेंज वेरिएबल कॉस्ट में आएगा उतना चेंज क्वांटिटी में आएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, 20 का 40 तो 60 का 120, 80 का 160, सब सेम प्रपोर्शन में चेंज होगा, जिस प्रपोर्शन में कंट्रीब्यूशन चेंज होगा उसी प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल वैल्यू चेंज होगा, क्वांटिटी डबल वैल्यू 1.6 टाइम, ये नॉर्मल लॉजिक फॉर्मूला। ओरिजिनल पीवी रेशियो 40% इज गिवन, 40/100, रिवाइज पीवी रेशियो 20/80, 25%, कंट्रीब्यूशन आपको सिमिलर रखना है, पीवी रेशियो कम हो रहा है, कंट्रीब्यूशन 40, सेलिंग प्राइस 160, वैल्यू इंक्रीज बाय 160%, क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय रिवाइज पीवी रेशियो मल्टीप्लाई रिवाइज सेलिंग प्राइस, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय रिवाइज पीवी रेशियो डिवाइड बाय रिवाइज सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी डबल करना है, ये मेथड समझ में आनी चाहिए और इस मेथड से आपको प्रेजेंट करना है। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के आपको वीडियो मिलते रहेंगे, रिवीजन में ये वीडियो आपको यूजफुल रहेंगे, ये वीडियो आप शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी मच।